मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों, आज जो अमल हम आपको देने के लिए जा रहे हैं और जो अमल आपको सिखाने के लिए जा रहे हैं, जो वजीफ़ा देने के लिए जा रहे हैं, ये कुत्ते के काटने से महफूज रहने का है। अगर आपने इसको पढ़ करके अपने ऊपर दम कर लिया तो आपको चाहे कितने भी कुत्ते क्यों ना हों और कितने ही भयानक और कितने ही ख़तरनाक कुत्ते क्यों ना हों, आपके ऊपर कोई भी हमला नहीं कर सकता, आपको कोई भी कुत्ता नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और अगर आपने इसको पढ़ करके दम कर लिया तो कोई कुत्ता आपके सामने नहीं आएगा। तो आइए मैं आपको बताऊं कि आपको क्या पढ़ना है कुत्ते से बचने के लिए। तो हज़रत अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी, सदरुल फाजिल हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मुफ्ती मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, तफसीर सालबी में है कि जो कोई इन कलिमात को वकल्बुहुम बासितुन ज़िराईही बिलवसीद, इन कलिमात को पढ़ करके अपने ऊपर दम कर ले तो उसको चाहे कितने ही कटखने कुत्ते क्यों ना हों, आपको नहीं काट सकते। और अगर कोई इन कलिमात को लिख करके अपने साथ रखे तो तब भी कुत्ता आपके ऊपर हमला नहीं कर सकता, कोई भी कुत्ता आपको नहीं काट सकता है। कुत्ते के शर से अमन में रहेंगे, कुत्ते से आपकी हिफाजत रहेगी।